यानी एजुकेशन से रिलेटेड ये वीडियो बना है। अच्छा बताओ, प्यार से पढ़ाते हैं या मार मार के पढ़ाते हैं? कभी पिटाई हुई आप लोगों की? उसके लिए कोचिंग का व्यवस्था है यहाँ बच्चों का, मतलब जो जो एट्थ से नाइन्थ और टेंथ के बच्चे का कोचिंग भी कर सकते हैं, और नर्सरी टू एट्थ तक के लिए वो स्कूल में भी पढ़ सकते हैं। तो इसमें जो हमारे यहाँ तालीम जो है दीनी असरी दोनों तालीम है। एट के बाद जो बच्चे नाइन्थ में टेंथ में जाते हैं उनकी तैयारी आप ही कराते हैं? जी हम भी कराते हैं। तो इस साल जिसका पेपर दिया यहाँ से? जी टेंथ मैट्रिक का। टेंथ में? यस सर। तैयारी यहीं से हुई थी? जी जी। तो कितने मार्क्स आए आपके? मेरा 363। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो गाइस, आज यानी वीडियो आया है वो भी ये बैकग्राउंड में जो देख रहे हैं और बच्चे सब नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वो अभी पढ़ाई कर रहे हैं। और ये स्कूल जो है ये मेरा ही स्कूल है, और मेरे हैंड और मेरा हाथ में जो देख रहे हैं CTV20 क्यों है वो आप लोगों को यानी ये पूरा वीडियो जो देखिएगा तभी पता चलेगा। और ये वीडियो यानी आप लोग पूरा देखिए तभी समझ में आएगा, क्योंकि आज यानी एजुकेशन से रिलेटेड ये वीडियो बना है। तो भाई, और मैं ये भी कहना चाहूँगा, क्योंकि इस स्कूल में अभी यानी एडमिशन यानी चालू है, आप लोग यानी अपने बच्चों को दाखिला करा सकते हैं। तारीपुर चौक के यानी जस्ट साइड में ही है ये स्कूल। मैं आप सबका स्वागत है। मैं अभी एक स्कूल में आया हुआ हूँ जो कि दारीपुर चौक में है। ये बरैदगा से पास में ही आमगाछी गाँव है, ये दारीपुर चौक है सामने, वहाँ पर ये स्कूल है। जैसा कि आप बोर्ड भी देख सकते हैं, एक्सेलेंट एजुकेशन सेंटर है। इस स्कूल के बारे में बहुत सुना है, मुझे ये जानना है कि इस स्कूल में किस तरह की पढ़ाई होती है, और ये भी सुना है कि यहाँ पर कुछ कोचिंग सेंटर भी है जो कि अलग से बच्चों को ट्यूशन दिया जाता है। और मालूम ये भी चला है कि जो बच्चे यहाँ से ट्यूशन पढ़ पढ़ के जिन बच्चों ने पेपर दिया है, चाहे वो 10वीं का हो या 12वीं का हो, हाई मार्क्स ले के आए हैं, वो बच्चे अच्छे नंबरात से पास हुए हैं। तो हम चाहेंगे कि अगर वो बच्चे यहाँ पर हैं तो बच्चों से मिलाएँ, या फिर बच्चों के टीचर से मिलाएं, इस स्कूल के प्रिंसिपल से मिलाएं कि तालीम का यहाँ पर क्या मेयार है, किस तरह की तालीम दी जाती है। सिर्फ मकसद ये है कि अगर तालीम यहाँ पर अच्छी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर बच्चे पढ़ेंगे, और तालीम अच्छी नहीं होगी तो पढ़ने की ज़रूरत भी क्या है। सच तो ये है दोस्तों कि तालीम की बहुत ज़्यादा अहमियत है। आजकल लोग पैसे खर्च करने के बाद भी सही तालीम अपने बच्चों को दिला नहीं पाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि एक झलक यहाँ पर हम जाएँ, देखें कि यहाँ किस तरह की तालीम होती है और कहां से कहां तक की तालीम होती है, और कोचिंग में किस तरह की तालीम होती है कैसे। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि एक बार और बोर्ड की तरफ नज़र डालें, एक्सेलेंट एजुकेशन सेंटर, जैसा कि आप देख भी रहे हैं। और यहां पर ये डायरेक्टर तारिक सर लिखा हुआ है, ये डायरेक्टर है यहाँ के। और सबसे पहले मैं क्लास देखना चाहता हूँ और आपको भी दिखाना चाहूँगा कि ये क्लास कौन बेटे, कौन सी क्लास है ये? UKG। ये वाली क्लास कौन सी क्लास है बच्चों? ये UKG। अच्छा, पढ़ाई सही होती है? कौन पढ़ाते हैं आप लोगों को? कौन सर पढ़ाते हैं? तारिक सर और? अच्छा अच्छा, बताओ प्यार से पढ़ाते हैं या मार मार के पढ़ाते हैं? कभी पिटाई हुई आप लोगों की? अच्छा, पिटाई तो होनी चाहिए ना, जब होमवर्क वगैरह करके नहीं लाते हैं तो पिटाई भी होनी चाहिए। कभी ऐसा हुआ कि आप लोग होमवर्क घर से काम करके नहीं लाए? लाते हैं हमेशा से? चलो ठीक है, आइए मैं नेक्स्ट क्लास दिखाना चाहूँगा आपको। अस्सलाम वालेकुम जी, ये कौन सी क्लास है बच्चों? वन। प्यार से पढ़ाते हैं आपके टीचर, मार मार के पढ़ाते हैं? प्यार से पढ़ाते हैं। प्राइवेट स्कूल किस तरह से खस्ता हाल में, क्योंकि इतने पैसे नहीं आते बच्चों की तरफ से भी यहाँ पर, जो कि या फिर इतना बजट स्कूल वालों के पास भी नहीं होता है कि जिसकी वजह से स्कूल को एक अच्छा शक्ल दिया जाए। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अच्छी कोशिश है तारिक साहब की यहाँ पर, कि किसी तरह से बच्चों को तालीम दे रहे हैं। मकसद ये है कि तालीम मिलनी चाहिए, चाहे वो झोंपड़ी हो या फिर महल हो। उससे बस ये होता है कि जब महल होगा तो बच्चों को आसानी होती है, आंधी तूफान से सैलाब से बच्चे बचे रहते हैं। अब चूंकि ये सरकारी स्कूल है नहीं, सरकार की तरफ से कोई ऐसा फ़ंड तो है नहीं कि इसको आला किस्म का यहाँ पर तामीरात का काम होता और अच्छे से होता, लेकिन शायद वो दिन भी दूर नहीं कि जब ये सब कुछ होगा। एक क्लास इधर है, ये कौन सी क्लास है बच्चों? पढ़ाई कैसी होती है यहाँ पर? अच्छा, कौन सर का नाम क्या आपका? तारिक सर। ये जो बैठे हैं कौन है?
मुजीब सर। मारते भी हैं आप लोगों को? प्यार से पढ़ाते हैं? जो भी पढ़ाते हैं समझ में आता है ना? बहुत कम फीस है दोस्तों, अगर इसके आसपास आपको तालीम मिलती है। एक ये क्लास है, ये कौन से क्लास है बच्चों? फोर्थ क्लास। फोर्थ में जी। क्या नाम है आपका? सऊदा। सऊदा जी। कहाँ से आती हो? इकरा से। इकरा से आती हो। तालीम कैसी होती है यहाँ पर? बहुत अच्छा। बहुत अच्छी होती है। अच्छा, टीचर किस तरह से पढ़ाते हैं? मोहब्बत से, प्यार से, डांट डपट के, कैसे? प्यार से। प्यार से पढ़ाते हैं ना जी। और एक ये क्लास है, ये कौन सी क्लास है? सेवन क्लास है। यस सर। तो कौन कौन सी किताबें हैं दिखाओ? दो तीन साल से पढ़ते। दो तीन साल हो गए। तो ये स्कूल जो यहाँ पर आप लोग पढ़ते हैं, स्कूल और स्कूल वाले, स्कूल के टीचर सब कैसे लगे आपको? अच्छे लगते हैं। अच्छे लगते हैं ना। यही फीडबैक आपको देना है। मैं चाहूँगा कि जब एक जगह टीचर, स्कूल, जगह जब सब बेहतर हो, तो हर माँ बाप की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को ऐसी जगह ही भेजा करें। एक ये वाली क्लास है, ये कौन सी क्लास है? एट्थ के लिए जी। एट्थ, आठ नहीं बोलते हैं ना? एट्थ। हाँ, एट्थ बोलते हैं। तो कब से पढ़ रहे हैं आप लोग यहाँ पर? तीन साल से। तीन साल से जी। तो अच्छी पढ़ाई होती है? जी, अच्छी पढ़ाई होती तो है। तो आगे एट के बाद फिर नाइन टेंथ कहाँ से करना है? यहाँ तो है नहीं, ट्वेल्व तक है। ट्वेल्व तक है सर। यहीं से है जी। अच्छा, यहाँ से चलिए मैं आपको प्रिंसिपल साहब से मिलाता हूँ। एट्थ क्लास में हैं, तो एट के बाद नाइन टेंथ इलेवन ट्वेल्व वगैरह की पढ़ाई होगी, तो वो कहाँ से करवाते हैं आप? तो हम लोग, वो बिहार बोर्ड से ही है, लेकिन उसके लिए कोचिंग का व्यवस्था है यहाँ बच्चों का। मतलब जो एट्थ से नाइन्थ और टेंथ के बच्चे का कोचिंग भी कर सकते हैं, और नर्सरी टू एट्थ तक के लिए वो स्कूल में भी पढ़ सकते हैं। तो इसमें जो हमारी यहाँ तालीम जो है, दीनी असरी दोनों तालीम है, और ज़्यादातर हमारे यहाँ तो दीनी तालीम पे तरफ भी तवज्जो दी जाती है, और इस्लामिक कल्चर के साथ पढ़ाई जाती है। और हम लोग सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी बच्चे गरीब यतीम के बच्चे हैं, जो बेसहारे के बच्चे हों, जो कि ऊँचे स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हैं, जो कि शहरों के स्कूल में नहीं ले जा पाते हैं, तो ऐसा वो बच्चे यहाँ आए और यहाँ उसका मुस्तकबिल बने, एक ऐसा फैज़याब ऐसा जगह बने कि यहाँ से हर एक लोग रोशनी हासिल करे। तो इसी मकसद हम लोगों का है, और हम लोग उस मकसद के तहत हम लोग जहद काविश और अपनी क्या कोशिश कर रहे हैं। तो आप समाज से एक अपील है, और आप लोगों से भी मुझे अपील है कि हम लोग सपोर्ट किया जाए, और इस स्कूल की तरफ तवज्जो दी जाए, और इस स्कूल के अंदर अपने बच्चों के ज़्यादा से ज़्यादा अपने एडमिशन दें, और ताकि हमारी भी हिम्मत अफजाई हो और हौसला बुलंद हो, और जो हम लोगों का मकसद है वो मकसद पूरा हो। चूँकि ये स्कूल आपका मिडिल स्कूल है ना? मिडिल स्कूल है, एट क्लास तक का। उसके बाद आपने कहा कि किसी को नाइन्थ में जाना है, तो फिर आप कहाँ एडमिशन कराते हैं? बिहार बोर्ड से एडमिशन कराते हैं, और तैयारी आप यहाँ कराते हैं? यहाँ कराते हैं, बिहार बोर्ड से। वो अपना ये कर ले नाइन्थ में या टेंथ में, जहाँ भी अपना जो हाई स्कूल का है उसमें एडमिशन कर ले, फिर यहाँ व्यवस्था है उसका, इसके कोचिंग का है। तो अभी हाल में कोई दसवीं के लिए या बारहवीं के लिए कोई ऐसे बच्चे निकले जो यहाँ से पढ़ के उन्होंने पेपर दिया है? हाँ, कई बच्चे निकले हैं। बच्चे यहाँ पर बच्चे हैं भी, और कुछ बच्चे अभी तो आए नहीं हैं, कुछ बच्चे हैं। लेकिन कौन टीचर पढ़ाते हैं उन बच्चों को जो तैयारी कराते हैं नाइन्थ के या टेंथ के? नाइन्थ के बच्चे हम भी देखते हैं। अच्छा, अच्छा। और दानिश अनवर वो भी देखता है। दानिश है यहाँ पर? दानिश कहाँ है? दानिश सर, दानिश है अपने क्लास। आप दानिश सर हैं ना? जी, दानिश। तो एट के बाद जो बच्चे नाइन्थ में टेंथ में जाते हैं, उनकी तैयारी आप ही कराते हैं? जी, हम ही कराते हैं। तो इस साल कितने बच्चे आपने किस किस चीज़ के लिए तैयारी करके निकलवाया, जैसे कि जो चीज़ आपके यहाँ नहीं, चाहे नाइन्थ के लिए या टेंथ के लिए या ट्वेल्थ के लिए हो? जी, नाइन्थ में कोई तो था, और टेंथ में लगभग चार स्टूडेंट था, तो चारों पास कर गए, और पहला जो स्टूडेंट था वो तो फर्स्ट डिवीजन किए, और सेकंड दूसरा सेकंड है, और दो जो था वो थर्ड किया है। जो फर्स्ट डिवीजन में जो बच्चे जो लड़का आया है, तो कितने मार्क्स हैं उनके? फर्स्ट डिवीजन में एक लड़की है जो जूली परवीन, उनका 343 नंबर है। 343 नंबर है। टोटल मार्क्स कितने होते हैं? 500 में 341 मतलब मार्क्स लेके आए, 43 आपके मतलब दसवीं में। जी, दसवीं में। कोई ट्वेल्थ के बच्चे भी हैं? ट्वेल्थ के अभी तैयारी हो रहे हैं, और अगला स्टेप में उसका एग्जाम। अच्छा, तो ये जो 343 नंबर हैं, ये नंबर किस तरह का नंबर, अच्छा है या कैसा है? अच्छा नंबर है, बेहतर रहा। बेहतर रहा जी। ये सब तैयारी आपने क्या चीज़ का पेपर दिया यहाँ से? जी, टेंथ मैट्रिक का। टेंथ में? यस सर। तैयारी यहीं से हुई थी? जी जी। तो कितने मार्क्स आए आपके? मेरा 363। 363।
तो ये नंबर किस तरह के नंबर हैं, अच्छे नंबर हैं, कैसे हैं जी? 500 में है ना? हाँ यस। तो 500 में 363 नंबर अगर कोई लाता है तो वो बहुत ही अच्छे नंबर होते हैं, और कहा जाता है कि डिस्टिंक्शन नंबर इसको कहा जाता है। तो ये आपके सामने खुद ही लड़का था, इस तरह के और भी कई लड़के हैं जो अभी शायद यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, जो कि आठवीं के बाद, चूँकि ये स्कूल आठवीं तक का है, नाइन्थ बिहार बोर्ड से करने के बाद फिर इन्होंने दसवीं के लिए फॉर्म भरा, उसके बाद फिर यहाँ से इसकी तैयारी हुई, तो जो अच्छे नंबर लाए। तो मेरा मकसद ये है सिर्फ कि अगर आपको अपने बच्चों को पढ़ाने में दिलचस्पी है तो इस तरह के स्कूल का आप रुजू कर सकते हैं, और ऐसा ना समझा जाए कि ये सिर्फ आठवीं तक है, आठवीं के बाद नाइन्थ, टेंथ, इलेवन, ट्वेल्थ कि ख़ुद ये एडमिशन करा के तैयारी भी कराते हैं। आपने देखा कि अच्छे नंबर है, 500 में 363 अगर कोई नंबर लेके आते हैं कोई भी इस तरह के स्टूडेंट, तो वो बहुत ही अच्छे नंबर होते हैं। तो और यहाँ पर कंप्यूटर क्लासेस भी है, कंप्यूटर क्लासेस में शायद बेसिक भी है, एडवांस है, अकाउंटिंग वगैरह भी सिखाया जाता है, जिसको के टैली वैली, टैली एक्सेल वगैरह में काम किया जाता है। तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, चूँकि आसपास में सरकारी स्कूल जितने वहाँ इतनी अच्छी तालीम तो खैर नहीं होती है, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, तालीम सबसे ज़्यादा अहम है, अहम चीज़ है इंसान की ज़िंदगी में। अगर आपने अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बना दिया, एजुकेटेड बना दिया, यकीन जानिए दुनिया की सबसे बड़ी दौलत आपने अपने बच्चों के लिए वक्फ कर दी, दे दी। आप बच्चों को घर बना के देते हैं, ज़मीन जायदाद खरीद के देते हैं, वो कोई काम नहीं आता है, वक्ती तौर पर काम तो आएगा लेकिन हमेशा के लिए चार लोगों में उसको बैठना है, बोलना है, कुछ करना है, तो उससे उसको फ़ायदा नहीं होगा। अगर फ़ायदा होगा तो सिर्फ इसलिए कि वो पढ़ा लिखा आपका बच्चा होगा। तो इस तरह के स्कूल की तरफ आप रुजू कर सकते हैं। एक झलक में आप शायद एडमिशन भी यहाँ पर चालू है 1 या 2 तारीख से, न्यू एडमिशन। तो LKG, UKG, जिस क्लास में भी आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहें यहाँ पर आ करके एडमिशन करा सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं या पढ़ाने के प्रोग्रामिंग कर रहे हैं वो इस स्कूल की तरफ रुजू कर सकें, अपने बच्चों को तालीम दिला सकें। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि जब भी इस तरह कोई एजुकेटेड एजुकेशन वाला वीडियो इसमें अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और इस चैनल को जो CTV20 है, इसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसमें भी आपको एजुकेशन से रिलेटेड पॉलिटिकल इंटरव्यू और समाज के किसी भी तरह के मसले के ऊपर बात की जाती है, इस तरह की वीडियो आपको मिल जाएगा। तो याद रखिए, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और CTV20 को भी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।